क्लास 8 स्टूडेंट्स, हमारा जो वर्क बुक में चैप्टर 5 चल रहा था, चैप्टर 5 वर्क बुक में चैप्टर 5 का 8th क्वेश्चन हम शुरू करेंगे आज। 8th क्वेश्चन शुरू करेंगे। 8th क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। इसका ए पार्ट करते हैं, 5/4 होल पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई 5/4 होल पावर माइनस 4 इक्वल्स 5/4 होल पावर 5। ठीक है, तो हमें इसको सॉल्व करना है और वैल्यू निकालनी है एक्स की। तो उसके लिए आप इन दोनों को, इसको इससे डिवाइड करना है। तो डिवाइड में रूल क्या होता है, डिवाइड में रूल होता है ए टू द पावर एम डिवाइड बाई ए टू द पावर एन। तो ये हो जाता है ए टू द पावर एम माइनस एन, ये हो जाता है। वही हम यहाँ पर कर लेंगे इन दोनों के अंदर, 5/4 होल पावर माइनस एक्स और माइनस लगा के माइनस 4, ये माइनस एक्स है, एक्स माइनस माइनस का 4 यहाँ ले लेंगे, इक्वल्स टू 5/4 होल पावर 5। ठीक है, अब यहाँ पर बेस दोनों के सेम हैं, पहले एक लाइन और कर लेते हैं, 5/4 होल पावर माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 4, ठीक है, इक्वल्स टू 5/4 होल पावर 5। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे इफ bases are same then powers will also be same। अगर बेस सेम होते हैं तो पावर भी सेम हो जाती हैं। तो इसका मतलब बेस इनके दोनों के सेम है, पावर भी इक्वल हो जाएंगे। केवल पावर लिखेंगे यहाँ, माइनस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब इसको यहाँ से ट्रांसफ़र कर लो इस तरफ, माइनस एक्स इज इक्वल टू 5 माइनस 4 दैट इज माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 1। बस आपको यही फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, तो इस तरह से हम फाइंड करते हैं एक्स की वैल्यू। और सेकंड क्वेश्चन भी इसका बी पार्ट भी इसी तरह से है, हम करते हैं 9th। ठीक है, बी पार्ट आपके लिए छोड़ रहा हूँ। इफ y इज इक्वल टू 4/5 होल पावर माइनस 2 प्लस 1/4 होल पावर 2, ठीक है, ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो इसके अंदर ये प्लस नहीं है, डिवाइड है, ये डिवाइड है। ठीक है, तो डिवाइड करना है, बाई इज इक्वल टू, देखो ये नेगेटिव पावर है, इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को ऊपर और न्यूमिनेटर को नीचे। आप इस तरह से आसान हो जाता है ना, 5/4 कर लिया होल पावर 2, डिवाइड का साइन है ना,
डिवाइड का साइन, तो इसको मल्टीप्लाई का साइन में कन्वर्ट कर लूँ। और क्या करोगे, इसको पलट के रख देते हैं, इसको 4/1 रख देते हैं, 4/1 होल पावर 2, समझ गए। मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और इसको अपोजिट कर लेंगे, पावर 2 ही रहेगी। ठीक है, हमने क्या किया, 4/1 कर लिया इसको। तो स्टूडेंट्स इसको इस तरह कर लेंगे। अब 5 की पावर 2, अगर होल की पावर 2 है तो 5 की पावर 2 भी होगा और 4 की पावर 2 भी होगा, और मल्टीप्लाई करेंगे 4 की पावर 2 होगा और 1 की पावर 2 होगा। आप चाहें तो 4 की पावर 2 को 4 की पावर 2 को ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, और आप ऐसे भी कर सकते हैं 5 टू द पावर 2। 1 की पावर 2 का मतलब 1 ही होता है, तो उसे छोड़ देंगे। यहाँ पर लिखेंगे इंटू 4 की पावर 2 माइनस 2, यानी ये जब ऊपर पहुँचेगा या नीचे अपॉन में है तो ये निगेटिव हो जाता है, आपको फॉर्मूला याद है। तो 5 की पावर 2 इंटू 4 टू द पावर 0, और किसी की भी पावर 0 1 होता है, 5 5 जो 25 हो जाएगा, और 4 टू पावर 0 1 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 25। तो ये किसकी वैल्यू होगी, बाई की वैल्यू आ जाएगी, यही निकालनी थी आपको, ये फाइंड आउट करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये 10th क्वेश्चन है, देखते हैं। 10th क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ 2 टू द पावर माइनस एक्स प्लस 2 टू द पावर माइनस एक्स प्लस 2 टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 192। ठीक है, अभी आप एक चीज़ कर सकते हैं इसमें, देखिए 2 की पावर माइनस एक्स 2 की पावर माइनस एक्स 2 की पावर माइनस एक्स तीनों को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि सेम है, बिल्कुल सेम, बिल्कुल लाइक टर्म्स है। तो आप इसे लिख सकते हैं सीधा 3 2 टू द पावर माइनस एक्स। ठीक है, 3 3 2 टू द पावर माइनस एक्स ऐसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू 192। अब 2 की पावर माइनस एक्स 3 को इस तरफ ले जाएंगे तो आ जाएगा 192 डिवाइड बाई 3। 3 से काटते हैं इसको, 3 6 जा 18 और 3 4 जा 12, तो 2 टू द पावर माइनस एक्स आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 64, और 64 का मतलब है 64 के अगर फैक्टर करते हैं तो ये हो जाता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64, तो यहाँ हो जाएगा 2 टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 टू द पावर 6। ठीक है, यहाँ लिखेंगे बेस सेम देन पावर्स विल ऑल्सो बी सेम। ठीक है, तो यहाँ इनको कंपेयर कर लेंगे, माइनस एक्स इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी -6। ठीक है, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बाय व्हाट नंबर शुड -3/2 होल पावर -3 बी डिवाइडेड सो दैट द कोशेंट वुड बी दिस, यानी किस नंबर से इसको डिवाइड करें सो दैट कि हमें कोशेंट ये मिल जाए। हम इसे ज़रा एक जनरल फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लेते हैं कि 11th में what number should be divided from this, तो -3 यहाँ लिखेंगे let, देखो 11th क्वेश्चन में लिखेंगे let b divide
माइनस थ्री अपॉन टू होल पावर माइनस थ्री होल पावर माइनस थ्री बाई माइनस थ्री बाई एक्स टू गेट कोशंट फोर अपॉन सेवन होल पावर माइनस टू। तो इसे कुछ इस तरह से लिख लेंगे कि माइनस थ्री अपॉन टू होल पावर माइनस थ्री, इसको डिवाइड किया हमने एक्स से और कोशंट आया फोर अपॉन सेवन होल पावर माइनस टू। ठीक है, अब क्या करना है, ये कुछ इस तरह से होगा माइनस थ्री बाई टू होल पावर माइनस थ्री। ठीक है, डिवाइड का मतलब है एक्स नीचे जाएगा और फोर अपॉन सेवन होल पावर माइनस टू। अब इसमें क्या करेंगे, ये हो जाएगा एक्स को इधर ले लेंगे और इसको इधर, तो माइनस थ्री बाई टू होल पावर माइनस थ्री, और जो डिवाइड हो रहा था उसको डिवाइड में लिखिए फोर अपॉन सेवन होल पावर माइनस टू, और एक्स चला जाएगा यहाँ, और हमें एक्स की ही वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो माइनस थ्री है ना, तो इसको हम इसको टू को ऊपर ले लेंगे, थ्री को नीचे ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आगे माइनस टू अपॉन थ्री होल पावर थ्री। यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाओ, अगर यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाओ तो ये अपोजिट हो जाते हैं। ठीक है, अगर यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाओ तो ये फोर अपॉन सेवन का सेवन अपॉन फोर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन माइनस टू रहेगा इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब हमें इसको नेगेटिव करने के लिए फिर से वापस वही करना पड़ेगा, माइनस टू अपॉन थ्री होल पावर थ्री इंटू, इसको फिर से कर देंगे फोर अपॉन सेवन होल पावर टू हो जाएगा इस बार। अब इनको ओपन करते हैं, हम इसी को ओपन कर लेते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं, इसको थ्री टाइम्स करेंगे तो माइनस टू इंटू माइनस टू। ठीक है, नीचे आ जाएगा थ्री इंटू थ्री, उसके बाद इंटू फोर इंटू फोर सेवन इंटू सेवन। ठीक है, हाँ स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में ये 27 है, ये कितना है 27। ठीक है, तो जहाँ पर ये लिखा हुआ है वहाँ 27 कर देंगे, ये थोड़ा सा, ठीक है, इसको जहाँ पे लिखा हुआ 27 कर देंगे हर जगह पर। ठीक है, ये भी 27 कर दो, बाकी क्वेश्चन हमारा सही चल रहा है, यहाँ 27 कर देंगे। ठीक है, यहाँ भी 27 कर देंगे। ठीक है, अब देखें ज़रा, यहाँ पर ये माइनस टू इंटू माइनस टू इंटू माइनस टू, थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री, और फोर इंटू फोर, और 27 इंटू 27। ठीक है, इसको ठीक कर लीजिएगा। आप देखें माइनस टू इंटू माइनस टू इंटू माइनस टू इंटू, इसको क्या लिखेंगे ऊपर वाले को, टू इंटू टू, फिर दूसरे फोर को टू इंटू टू। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री, और थ्री थ्री या नाइन थ्री या 27, इसको भी लिख लेंगे थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री, फिर इस वाले 27 को लिखेंगे थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री। ठीक है, अब मेरे पास कितने टू हो गए हैं, देखो तीन नेगेटिव हैं, वन टू थ्री, थ्री नेगेटिव्स हैं और बाकी ये नंबर पॉजिटिव हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर आप एक का या तो ये करिए कि माइनस टू को अलग रखिए, इसका होल पावर क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, और जो पॉजिटिव हैं वो हो जाएंगे टू की पावर फोर, ठीक है, अपॉन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, तो थ्री की पावर नाइन हो जाएगा और ये हमारा यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ तक आप पूरा कर लें इसको, और इसके बाद फिर मैं कल करवाता हूँ।